नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप फीजी जाना चाहते हैं तो वीज़ा की प्राइस क्या आ सकती है, यानी वीज़ा की जो फीस लगती है वो क्या लगती है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की फ़ीस कितना लगती है अगर आप जाते हैं, और टूरिस्ट वीज़ा का फीस कितना लगता है, और स्टूडेंट वीज़ा का फीस कितना लगता है, और टूरिस्ट वीज़ा का फीस कितना लगता है, और बिजनेस वीज़ा का फीस कितना लगेगा अगर हम वीज़ा फीजी के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, इन सभी का मैं फीस बताने वाला हूँ। और ये भी बताने वाला हूँ कि इंडिया में कहाँ है इसकी एम्बेसी और हम कहाँ पर जाके आप आराम से बनवा सकते हैं। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के ठीक नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, जिसको दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। तो फ्रेंड, यहाँ पर पहले मैं बात कर लेता हूँ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की, और बात करूँगा यहाँ पर मैं स्टूडेंट वीज़ा की, और मैं बात करूँगा यहाँ पर फिल्म वीज़ा की, और मैं बात करूँगा बिजनेस वीज़ा की, और मैं बात करूँगा टूरिस्ट वीज़ा की, मतलब इन सभी वीज़ा के फीस के बारे में बताऊँगा। और ये सब पूरा एक साल के लिए होगा, यानी कि कहाँ हम बनवाएंगे, यानी कि फीजी का वीज़ा अगर आपको बनवाना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। इसका एम्बेसी एक ही जगह है, न्यू दिल्ली में, जो कि मैं एड्रेस यहाँ पर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये एड्रेस है, और इस एड्रेस पे आप जाकर आप आराम से बनवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ सावधानियाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप थोड़ा आपको सावधानियाँ रखनी पड़ेगी, क्योंकि थर्ड पार्टी से अगर आप वीज़ा बनवाते हैं, जो बहुत सारे वेबसाइट है, बहुत सारे जो थर्ड पार्टी है जो वीज़ा बनवाते हैं, तो उससे थोड़ा सा बच के रहें। पहले एक बार क्लियर कर लें कि वहाँ पर वीज़ा कितने का बन जा रहा है, अगर उससे 19-20 का फ़र्क है, यानी क्योंकि जाहिर सी बात है अगर थर्ड पार्टी वीज़ा बनवाएंगे तो थोड़ा पैसा अपना चार्ज बढ़ाएंगे। तो एक एग्जांपल के रूप में मान लीजिए, अगर कोई वीज़ा 5,000 रुपये का है तो 6,000 या फिर 6,500 रुपये में बना रहा है, या फिर 7,000 तक बनाते रहा है, तो आप बनवा लीजिए थर्ड पार्टी से। अगर इससे ऊपर बढ़ रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जाकर खुद से बनवाएं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वीज़ा बनवाना कोई हार्ड काम नहीं है, एकदम सिंपल सा काम है। एक फॉर्म होता है, बस उसको फिलअप करना होता है और कुछ फीस देने पड़ते हैं, और उसके बाद जो अप्रूवल आता है तो ठीक है। और दूसरी चीज़ फ्रेंड, ये ध्यान रहे कि आप वीज़ा बनवाते समय ये भी ध्यान रखना है कि आप किसी थर्ड पार्टी की स्कैम में ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बोल देते हैं मैं वीज़ा बनवा दूंगा, ये करवा दूंगा, पैसे ले लेते हैं और वीज़ा ही नहीं आता है, तो वो और कहते क्या है कि ये आपका रिजेक्ट हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो थोड़ा सा इन सभी से बचे, जो थर्ड पार्टी से बनवाइए कोई दिक्कत नहीं, बट जो अच्छा हो, का मार्केट में काफ़ी उसका एक्सपीरियंस हो और काफ़ी दिन पुराने से मार्केट में है, तो वो एक ट्रस्टेड हो सकता है और उससे आप बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं बात कर लेता हूँ वीज़ा के प्राइस के बारे में। तो पहले मैं बात करता हूँ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की प्राइस। तो फ्रेंड, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की जो फीस होती है वो देखा जाए, हमारा जो आता है फीजी डॉलर में, यानी फीजियन डॉलर में आता है 257, यानी कि 257 फीजियन डॉलर आता है। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इंडियन रुपीज़ में, तो हमारा आता है 8,416 रुपये के आसपास, यानी 8,416 रुपये के आसपास में इसका फीस आता है। और अब हम बात करेंगे फिल्म वीज़ा के प्राइस के बारे में, यानी कि फिल्म वीज़ा की फ़ीस कितनी लगती है वहाँ पर, अगर हमें जाना है तो इसकी वीज़ा बनवाने का फीस कितना आता है। तो ये भी आता है, आपको देखा जाए तो 257 फीजियन डॉलर के आसपास में आता है, और इसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में, तो ये भी आता है आपका 8,416 रुपये के आसपास में। और अब हम बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के फीस के बारे में। स्टूडेंट वीज़ा एक साल के लिए अगर आप लेते हैं, यानी कि एक साल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं और जाते हैं, तो उसकी जो फीस देनी पड़ेगी वीज़ा में, वो आपको देना पड़ेगा 172 फीजियन डॉलर, यानी कि 172 फीजियन डॉलर देना पड़ता है। और इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में, तो ये हमारा आता है 5,632 रुपये के आसपास, यानी 5,632 रुपये अगर हम देते हैं तो उसके आसपास में आपको एक स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है एक साल के लिए। और अब हम बात करते हैं बिजनेस वीज़ा के बारे में, यानी कि बिजनेस वीज़ा के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस क्या देनी पड़ सकती है आपको, यानी कि बिजनेस वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसकी जो फ़ीस आती है वो आती है 257 फीजियन डॉलर, यानी कि 257 फीजियन डॉलर देते हैं तो हमें मिलता है एक वीज़ा
फिजी जाने के लिए, यानी कि उसकी जो फीस है 257, और उसकी जो इंडियन रुपीस में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा आता है 8,416 रुपये के आसपास में। और अब बात करते हैं हम टूरिस्ट वीज़ा की, यानी कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस क्या देनी पड़ सकती है वीज़ा बनवाते वक्त। यानी कि टूरिस्ट वीज़ा के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसकी जो फ़ीस आती है फिजियन डॉलर में, वो देखा जाए तो 212 फिजियन डॉलर आती है। यानी कि 212 फिजियन डॉलर देते हैं तो हमको मिलता, यानी कि 200, और ये भी 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए हमें ये वैलिडिटी मिलती है इसकी, यानी कि 1 साल के लिए हमें ये मिलता है। और अगर इसको हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें 212 फीजियन डॉलर को, तो ये हमारा आता है 6,942 रुपये के आसपास। यानी कि 6,942 या 7,000 रुपये के आसपास में आपको ये फीस लगेगी। और भी अदर खर्चे लग सकते हैं ये वीज़ा बनवाने में, बट मैं तो यही कहूँगा फ्रेंड, आप नज़दीकी अपने एम्बेसी जाएं और वहाँ पर बनवाएं, और आप क्योंकि वहाँ पर अगर आप जाके बनवाते हैं तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, और काफ़ी आप आसानी से चाहे जब जहाँ पर भी आपको कोई भी वीज़ा बनवाना होता है तो आप आराम से जाकर बनवा सकते हैं बेधड़क, थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत पड़ती ही नहीं। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।